आप देख रहे हैं SCN न्यूज इंडिया, हर खबर पर नजर। मंडला जिले के बम्हनी बंजर थाने में रात में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष राकेश तिवारी के साथ ही पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं ने काफी देर तक हंगामा किया। इन कांग्रेसियों का कहना था कि बम्हनी बंजर और आसपास के क्षेत्र से बड़ी मात्रा में अवैध तरीके से रेत निकाली जा रही है, लेकिन पुलिस के द्वारा सिर्फ उन लोगों पर कार्रवाई की जाती है जो पुलिस को एंट्री या रेत चोरी के पैसे नहीं देते। जिन ट्रैक्टर, ट्रक या दूसरे वाहन के मालिकों की पुलिस से साठगांठ है, उन्हें बेरोक टोक आसपास की तमाम रेत खदानों से रेत निकालने की दी जाती है और वो थाने के सामने ही रेत लेकर जा रहे हैं, फिर भी पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं करती। कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश तिवारी ने पुलिस पर सीधा आरोप लगाया कि पुलिस मुंह देखकर व्यवहार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और प्रशासन की मिलीभगत से जिले में और भी अवैध कार्य हो रहे हैं, लेकिन पुलिस उन पर किसी तरह से अंकुश लगाने का प्रयास नहीं कर रही। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बम्हनी क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री और जुए सट्टे खिलाने का भी आरोप पुलिस की साठगांठ से लगाया। समस्याएं जैसा आप यहां का हुजूम और माहौल देखकर अंदाज लगा रहे होंगे कि क्या स्थिति है। बम्हनी क्षेत्र में बहुत ही जो है बम्हनी नगरी एक बहुत अपने आप में एक मानी जाती है और इसके बाद में आज यहां ये स्थिति बन रही है कि दिन हो चाहे रात हो, यहां के जो अवैध कारोबार करने वाले लोग हैं वो इतने बेखौफ होकर और यहाँ पर जो कारोबार कर रहे हैं, आज उसकी परिणति यहाँ पर थी कि ये सारे जनता का हुजूम यहाँ पर लगा अवैध कारोबार के लेके। मुझे जब जानकारी हुई, मैं यहाँ पर पहुँचा, मैंने सबसे पहले ये बात की प्रशासन से भी, जो संबंधित TI उनसे भी मैंने सिर्फ एक प्रश्न किया कि क्या इस क्षेत्र में कोई वैध खदान है क्या, शासन की ओर से अगर कोई वैध खदान है तो उसकी जानकारी दें। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि नहीं, यहाँ कोई हमारे यहाँ वैध खदान नहीं है कि जहाँ से रेत निकाली जा सके और उसकी रॉयल्टी इशू की जा सके। तो मैंने फिर दूसरा प्रश्न किया कि अगर इसके बाद यहाँ क्षेत्र से सामने से थाने के सामने से कोई भी वाहन निकलता है जिसमें रेत हो तो क्या वो अवैध मानी जाएगी। तो उन्होंने स्वीकार किया कि निश्चित रूप से, क्योंकि यहाँ कोई रेत खदान नहीं है और अगर यहाँ से कोई वाहन जाता है तो वो अवैध रेत कहलाई जाएगी। तो यहाँ के लोगों का स्पष्ट आरोप था कि यहाँ के कुछ लोग यहाँ पर एंट्री के बलबूते पर यहाँ पर गाड़ियाँ पास कराते हैं। जो व्यक्ति एंट्री देता है उसकी गाड़ियाँ यहाँ से पास होती हैं, जो एंट्री नहीं देता उसके पास खबरें पहुँचाई जाती हैं कि आप आकर के संबंधित TI साहब से मिल लो और अपनी एंट्री दे दो। जो व्यक्ति एंट्री देता है उसकी गाड़ियाँ चलती हैं, जो नहीं देगा उसकी गाड़ियाँ तत्काल। आज भी ऐसा वाकया आया कि किसी संबंधित व्यक्ति की गाड़ी यहाँ गई होंगी, शायद उसने एंट्री नहीं दी होगी, उस व्यक्ति को खबर पहुँचाई गई कि आप अपनी गाड़ी तत्काल दाएँ बाएँ कर दो या अपनी गाड़ियां खाली कर दो, नहीं तो मामला बनाने के आदेश संबंधित TI के द्वारा दिए गए हैं। तो उस व्यक्ति का मुझे फ़ोन आया, मैंने कहा क्यों भाई क्यों, तो उन्होंने कहा उनकी एंट्री नहीं हुई है। ये स्पष्ट रूप से आरोप लगाए गए हैं कि जो व्यक्ति एंट्री देगा उसी की ही गाड़ी चलेंगी, अन्यथा किसी की गाड़ी नहीं चलेंगी। और स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि ये राजनीतिक दबाव है, राजनीतिक संबंधित शासक सरकार में बैठे लोग प्रशासन से दबाव बना करके अपनी गाड़ियां चला रहे हैं। मैंने आरोप लगाया कि निश्चित रूप से छोटे छोटे वाहन मालकों के ऊपर कार्रवाई की जाती है, कानून में कहीं नहीं लिखा है कि दोहरा व्यवहार अपनाया जाए। अगर कार्रवाई है, कोई अवैध कार्रवाई होती है तो उसको टोटल बंद किया जाए, किसी प्रकार की अवैध उत्खनन या अवैध कार्रवाई पर तत्काल अंकुश लगाया जाए। बंद मतलब टोटल बंद ही होना चाहिए, किसी प्रकार की अवैध कार्रवाई नहीं होना चाहिए। ये बात मैंने जो है संबंधित TI साहब से कही है अभी और निवेदन किया है कि आप बहुत जिम्मेदार अधिकारी हैं, अगर अवैध उत्खनन किसी भी प्रकार से होता है उसको तत्काल बंद कराया जाए। किसी भी प्रकार का अवैध उत्खनन इस क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का मुँह देखा व्यवहार या लेन देन की बात नहीं आनी चाहिए। और इस बात की भी चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो इस भारी जनता जो यहाँ पर एकत्रित है, आज जिसका मॉब है बना हुआ है और जिन्होंने आक्रोश व्यक्त किया है संबंधित प्रशासन के खिलाफ में, तो अगर ऐसी कार्रवाई नहीं होती है, ये अवैध उत्खनन बंद नहीं होता है, कार्रवाई नहीं होती है, मुँह देखी कार्रवाई होगी, तो निश्चित रूप से एक बड़ा जन आंदोलन जिला कांग्रेस कमेटी मंडला इसके लिए करेगी। कह सकते हैं कुछ ये लोग आए थे मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी के, और इनका ये था कि अवैध उत्खनन हो रहा है और कार्रवाइयाँ नहीं हो रही है। आज मुझे करीब 8 बजे एक सूचना मिली थी कि जहाँ पे ये पिछले दिनों एक डेथ हुई है देवगांव अपने टिकरवारा में, वहीं कहीं आसपास कुछ रेत चोर अपनी गाड़ी लेकर के आए हैं रेत ले जाने के उद्देश्य से। मैंने पुलिस भेजा था, उन्हें कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन मिला और वो वहाँ मौके से भाग गए।
कथित रूप से वो लोग किसी न किसी पार्टी को बिलोंग करते हैं और उन्हें ये चीज़ बुरी लगी और उन्होंने फिर जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए कि पुलिस जो है कुछ लोगों को जो है पकड़ना चाह रही है। और हम निश्चित रूप से समय समय पे जहाँ भी सूचना मिलती है हम जाकर के कार्रवाई करते हैं। हम कल ही हमें सूचना मिली थी एक जगह की, तो हमने वहाँ से 3 ट्रैक्टर पकड़े और समय समय पे निश्चित रूप से हम जितना भी पॉसिबल हो पाता है हम कार्रवाई करते हैं और आगे भी कार्रवाइयाँ निरंतर जारी रहेंगी। मंडला से शारदा श्रीवास की रिपोर्ट।